गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिकल टैंकर अनलोडिंग सेफ्टी। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर्स, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पर जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है। जैसा कि हम सारे लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के टैंकर्स आते हैं। कुछ में आपके एसिड्स रहते हैं, कुछ में आप सॉल्वेंट्स होते हैं, जिसमें जो मैक्सिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं हैंडलिंग में वो आपको सॉल्वेंट्स के केस में रखने पड़ते हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। जैसे ही कोई भी टैंकर आप गेट से अंदर लेते हैं, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो ट्रक का ड्राइवर है उसके पास में माचिस या फिर और भी कोई भी चीज़, लाइटर जिससे वो फ्लेम जला सके, ऐसा कोई भी मटेरियल उसके पास में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये पहला आपको चेक पॉइंट है जो आपको इंश्योर करना है। आफ्टर दैट, जैसे ही आपका टैंकर गेट के अंदर आता है, सबसे पहले आपको उसमें स्पार्क अरेस्टर लगाना है ताकि जो भी उसके इंजन से डिस्चार्ज निकलता है धुआं, उसके साथ में कोई भी हॉट गैसेस बाहर ना पाए। स्पार्क अरेस्टर इसलिए कंपलसरी रहता है बिकॉज ये ट्रैप करता है जितनी भी हॉट पार्टिकल्स एक्सपेल होते हैं कंबस्चन इंजन से, ये उन सबको रोकता है, जिसकी वजह से फायर होने का कोई भी चांस इन हॉट गैसेस की वजह से वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या ख़त्म हो जाता है। सेकंड, आपने टैंकर को अंदर लेके आए, आपने उसमें स्पार्क अरेस्टर लगा दिया है, जब आप उसको पोजीशन पे लाके खड़ा करेंगे तो आपको पहले तो वहाँ पे नीचे ये लगाना है व्हील स्टॉपर। ये इसलिए कंपलसरी है बिकॉज कई बार ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि टैंकर अगर आपका थोड़ा स्लोप में खड़ा है और आपने व्हील स्टॉपर नहीं लगाया है तो वो आगे या पीछे की तरफ मूव करता है, इसीलिए व्हील स्टॉपर काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है। एक बार आपने व्हील स्टॉपर लगा लिया, आफ्टर दैट आपको जो आपका ट्रक का ड्राइवर है उसे कीज अपने हाथ में हैंडओवर ले लेना है जब तक आपका काम चलता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद में जब आप टैंकर्स अनलोड करते हैं तो सबसे बड़ा जो आपको हैजार्ड होता है वो याद रखिएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है सॉल्वेंट्स के केस में। अब जैसा कि आपका टैंकर काफ़ी ज़्यादा पाथ ट्रेवल करके आया है तो उसमें जो स्टैटिक चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने टैंकर को अर्थ करें। अर्थ करने के लिए इस तरीके के क्रोकोडाइल क्लैंप से आप उसको आपके पास में जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से कनेक्ट करेंगे ताकि वो आपका अर्थिंग हो जाए। अब याद रखिएगा टैंकर की जिस भी पोजिशन में आप उसको कनेक्ट करेंगे वो पोजीशन पेंटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए जहाँ पे भी आपका पेंटिंग नहीं है वैसे पोर्शन में आप अपना क्रोकोडाइल क्लैंप, इस तरीके के क्लैंप्स होते हैं, इन क्रोकोडाइल क्लैंप्स को आप वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये पाया गया है कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला तो आपने प्रॉपर अर्थिंग इसका इंश्योर कर लिया कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर है या फिर नहीं है। अब आपने मान लीजिए इंश्योर कर लिया है कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर है, फिर भी आपके पास में एक और चेक पॉइंट डाला जाता है, वो होता है आपका अर्थिंग मॉनिटरिंग यूनिट्स। इस अर्थिंग मॉनिटरिंग यूनिट का काम मैं आगे की स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट आपका अर्थिंग स्ट्रिप्स, जो भी आपका टैंक है जिसमें ये मटेरियल आप डिस्चार्ज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आपका उसमें अर्थिंग होना चाहिए, बिकॉज जब उसमें सॉल्वेंट जाके ड्रॉप होगा तो वहाँ पे भी स्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं जो डिस्चार्ज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आज की डेट में आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो भी आप वेसल्स प्लांट्स में यूज़ करते हैं वो डबल अर्थिंग उसमें प्रोवाइड की जाती है। अर्थिंग जम्पर्स, जितने भी आपके पाइपलाइंस होते हैं वो जितने भी पाइपलाइंस आपकी सॉल्वेंट्स के केस में यूज़ होती हैं उन सबके ऊपर अर्थिंग जंपर्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो होता है ये मेरा स्टैटिक चार्ज मूवमेंट्स जो एक्यूमुलेशन होता है पाइप्स के ऊपर ये उसको रोकता है और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करता है। हेंस अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं पर भी आपके स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होंगे और फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अर्थिंग जंपर्स एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, मीन्स जहाँ पे भी आपको सॉल्वेंट्स के टैंकर अनलोड करना है वो पूरी पाइपलाइंस आपको पहले से ही इंश्योर करना है कि उसमें अर्थिंग जंपर्स हर एक पॉइंट पे होने चाहिए जितने भी आपके पाइप के जॉइंट्स हैं, अदरवाइज इट कैन लीड टू अ बिग एक्सीडेंट ऑल्सो।
नेक्स्ट वन इज ये देखिए, ये अर्थिंग जंपर्स अलग अलग डायग्राम से मैंने दिखाए हैं। ये आपका जो पाइप के ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे आपको लगाने हैं, और ये आपकी जो, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये जो कनेक्टिविटी होती है पाइप की उसको बेसिकली ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट आपका जो रिएक्टर या फिर जो आपका स्टोरेज टैंक है उसमें डिप पाइप्स होने चाहिए, बिकॉज अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर से स्प्लैश होते हुए रिएक्टर के अंदर गिरेगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा, जिसकी वजह से फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो आपका कंटेनर है जिसमें आप मटेरियल अनलोड कर रहे हैं, वो आपका उसके अंदर बेसिकली सॉल्वेंट की लाइंस में आपके डिप पाइप्स होने चाहिए। नेक्स्ट स्टैटिक चार्ज हमेशा तभी डेवलप होता है जब सॉल्वेंट आपका मूव करता है पोजीशंस के बीच में। अगर आप डिप पाइप नहीं डालेंगे तो सॉल्वेंट आपका टॉप से नीचे की तरफ गिर रहा है काफ़ी हाइट से, तो इन दैट केस आप स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम डिप पाइप का यूज़ करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अर्थिंग मॉनिटरिंग यूनिट। ये आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, बट जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए बता देता हूँ, जब भी कोई आप सॉल्वेंट का टैंकर अनलोड करते हैं तो वहाँ पे आप अर्थिंग एंश्योर करते हैं। वो आप फिजिकली कर सकते हैं बट उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इसी ट्रस्ट को बिल्टअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं EMU, दैट इज अर्थिंग मॉनिटरिंग यूनिट। ये क्या होता है, ये बेसिकली मेरे को ये एंश्योर करता है कि मेरा अर्थिंग जो मैंने दिया है क्रोकोडाइल क्लैंप्स के थ्रू वो प्रॉपर दिया है या फिर नहीं दिया हुआ है, ये एंश्योर करता है अर्थिंग मॉनिटरिंग यूनिट। मान लीजिए ये आपके पंप से कनेक्टेड रहता है, अगर आपका जो सर्किट है मीन्स अगर आपका जो टैंकर है वो प्रॉपर तरीके से अर्थिंग उसका नहीं हुआ है, तो ये EMU क्या करता है, ये आपका पंप को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। मीन्स ये आपका अर्थिंग एंश्योर करता है, अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी तभी आपके सर्किट से कनेक्टेड जो पंप है वो स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये पंप को ही स्टार्ट होने नहीं देता है। इसीलिए जितने भी सॉल्वेंट अनलोडिंग एरियाज हैं वहां पे अर्थिंग मॉनिटरिंग यूनिट ये काफी ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रॉपर लाइनअप ऑफ द सिस्टम। आपको ये इंश्योर करना है कि जहां आप टैंकर अनलोड कर रहे हैं वो टैंकर और आपका जो सिस्टम है जहां पे आपको उसको अनलोड करना है लाइक अनलोडिंग वेसल, उन दोनों के बीच में सारी पाइपलाइंस का लाइनअप प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स जो वहाँ से आप अनलोड कर रहे हैं वहाँ का वेंट और जहाँ पे आप डाल रहे हैं वहाँ का वेंट दोनों ओपन होने चाहिए, अदरवाइज कई बार ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला है कि आपके जो टैंकर्स हैं जिनमें मटेरियल आता है वो टैंकर्स आपके वैक्यूम की वजह से पिचक जाते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा रिएक्टर या ऐसा वेसल जिससे आप मटेरियल खाली करते हैं वहाँ पे हमेशा एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और जहाँ पे आप मटेरियल चार्ज करते हैं वहाँ पे आपका प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए हमेशा दोनों के वेंट्स आपको ओपन रखने हैं, अदरवाइज आपका जो टैंकर या फिर जिस भी वेसल में आप अनलोड कर रहे हैं इनमें से कोई भी आपका डैमेज हो सकता है। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस मैंने बताए थे आपको जहाँ पे आपको सॉल्वेंट्स अनलोड करना है। अब मान लीजिए आपके सॉल्वेंट्स की जगह आपके हैजार्डस केमिकल्स आते हैं लाइक आपके सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, तो इनकी इनको अनलोडिंग के टाइम में आपको प्रॉपर तरीके के जितने भी PPEs रहते हैं लाइक फुल बॉडी PVC सूट ये आपको वियर करना है, और जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके केस में एंश्योर करना है वो ये है कि जितने भी आपके फ्लैंक जॉइंट्स हैं उनके केस में सॉल्वेंट्स के केस में मैंने अर्थिंग जंपर एंश्योर किया था कि अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए, बट इसके केस में जहाँ पे मेरे एसिड्स होते हैं वहाँ पे मैं फ्लैंज गार्ड्स मीन्स फ्लैंज के ऊपर आपके PKP के गार्ड्स लगाए जाते हैं ताकि अगर कहीं से कोई भी गैस्केट फेलियर हो तो वो मटेरियल स्प्लैश होके किसी के मुंह के ऊपर या फिर किसी की बॉडी के ऊपर ना जाए, जिससे कोई बड़ा एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो आपको अगर आप एसिड्स अनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है, पहला जितने भी आपकी पाइपलाइंस में जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपके स्प्लैश गार्ड्स अवेलेबल होने चाहिए, और सेकंड आपको फुल बॉडी PVC सूट पहन के ही ये इन टैंकर्स को अनलोड करना है। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी अगेन बैक विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।